कि आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितनी सारी भीड़ है, जो कि देखिए माता जी का विसर्जन हो रहा है और यहाँ पे देखने के लिए बहुत सारे लोग दूर। सबसे पहले आप सभी को प्यार और नमस्कार, मैं अमर सिंह आप सभी के बीच में अपने यूट्यूब चैनल ASY इंडियन ब्लॉगर कुमार का सबसे बीच में नया ब्लॉग दिखाने वाला हूँ। आप सभी लोग देख सकते हैं मैं फाइनली पहुँच चुका हूँ सीताकुंड, जो कि यहाँ पे माता जी का विसर्जन होता है। आज आप सबको यही का वीडियो दिखाऊंगा, तो आप वीडियो बने रहिएगा, चलते आप सबको आगे दिखाते हैं। रंगोली सजाई सारी धरती ये महका। एवरीवन, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह की एक लाइन से मूर्ति लगी है विसर्जन होने के लिए, जो कि आप सभी लोग देख सकते बहुत ज्यादा मूर्ति है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो आप सभी लोग देख सकते हैं यह है सीताकुंड, जो कि सुल्तानपुर में पड़ता है। यहाँ पर माता रानी का विसर्जन होता है, जो कि बहुत ही भव्य होता है, जो कि आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितनी भीड़ है, कितने लोग आए हैं बहुत दूर दूर से, और करीबन यहाँ पे 1000-2000 मूर्ति विसर्जन होगी। और बाकी यहाँ पर 2-3 दिन से ऐसे ही लगातार दिन रात आप सभी लोग देख सकते हैं माता रानी का विसर्जन चल रहा है। सोच सकते हैं आप लोग करीब 48 घंटे हो गए, सोचिए यहाँ पर भी माता रानी का इसी तरीके से भीड़ और इसी तरीके से लोग भक्त लोग यहाँ पर आए देखने आए हुए हैं। तो चलिए, और ये देख सकते हैं गोमती नदी, ये देख सकते हैं यहाँ पर बाकायदे नाव लगी हुई हैं, नाव से प्रतिमाएं को लेकर जाते हैं, थोड़ा बीच में ले जाएंगे जहाँ पर पानी ज़्यादा है वहाँ पर माता रानी का विसर्जन। आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितने लोग भावुक हैं, जो कि एकदम नदी के पास चले आए हैं, ये भी नहीं सोच रहे कि कहीं गिर जाए कोई दुर्घटना हो जाए, लेकिन लोग पुलिस प्रशासन लगा हुआ है ताकि कोई ऐसी दिक्कत ना हो, कोई ऐसी परेशानी ना हो कि कोई डूब जाए। और आप सभी लोग देख सकते हैं बाकायदे प्रशासन लगा हुआ, ऐसा नहीं कि प्रशासन नहीं लगा हुआ है, बाकायदे लगी हुई हैं, नाएँ लगी हुई हैं ताकि किसी को कोई डूबे ना। और आप सबको बताना चाहेंगे अभी यहाँ पर कोई बच्चा सुबह डूब भी गया था, आप सब लोग कितनी दुख की बात। आप बाकी इधर देखिए, आप सब माता जी के प्रतिमाएं अंदर ले जा रहे हैं, जो कि नदी के अंदर ले जाएंगे और माता रानी का विसर्जन करेंगे, जो कि भक्त आप सब लोग देख सकते कितना भावुक है, और 9 दिन माता जी का पूजा करता है उसके बाद माता रानी का विसर्जन करता है। दुख तो बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे ही सुल्तानपुर विसर्जन होता। और इधर आप सब लोग देख बाकायदे प्रशासन बाकायदे नाव बगल में लेके हैं ताकि कोई दुर्घटना ना हो, ताकि उससे निपटा जा सके, आप सब लोग जान सकते हैं। तो चलते हैं, आप सब कुछ अलग और फिर से दिखाते हैं, तो आगे लोग जरूर पूरा देखिएगा वीडियो, और तो बहुत अच्छा होने वाला है। एक चीज़ और आप सबसे बताना चाहूँगा, मैं सुल्तानपुर का विदाई का वीडियो डाला था, जो कि बहुत ही अच्छा वीडियो है, उसका मैं लिंक इसमें नीचे डाल दूंगा, आप लोग जरूर देखिएगा, बहुत बेहतर वीडियो है, जो कि मैं सुल्तानपुर में गया था ऐसा कभी नहीं देखा था, अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसी माता रानी की विदाई मैंने नहीं देखा था। आप सब लोग देखिए, बहुत अच्छा लगेगा, कहीं ना इस वीडियो मिस ना कर दें कि विदाई वाला माता जी का जरूर देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। सुल्तान माता ऐतिहासिक विदाई होती है, बहुत अच्छा लगेगा। चलते हैं, आप सबको आगे दिखाते हैं वीडियो, जरूर जो बता रहे इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। और बाकी देख सकते हैं ये देखिए प्रतिमाएँ गिरा दी गई, देखिए प्रतिमाएँ गिरा दी और लोग पानी छिड़क रहे हैं, क्या किया जाए, ऐसे ही प्रतिमाओं को विसर्जन किया जाता है सुल्तानपुर में, आप लोग जान सकते हैं। चलिए, और बाकी देखिए इस अब प्रतिमाएं, और एक चीज़ बताना चाहेंगे आप सबसे, ये प्रतिमाएं आगे जाती हैं मिट्टी गल जाती है। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, क्या ये देखिए आप सब लोग, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि प्रतिमाओं में जो चावल पैसे कुछ ऐसा रहता है बच्चे उसको निकाल लेते हैं। देखिए इंसान पेट के लिए क्या नहीं कर सकता, आप लोग देख सकते हो पेट के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। और इधर देख सकते हैं आप लोग, ये बहुत भव्य मूर्ति है, जो कि यहाँ पर कितनी भीड़, आप लोग बहुत ज़्यादा लोग आ चुके हैं, और यहाँ पर बाकायदे न्यूज वाले भी आए हैं, इसका वीडियो शूट कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही माता रानी का विसर्जन हो रहा है, और इधर देखिए आप सब लोग, और अंदर मूर्ति जा चुकी है, ये दूसरी मूर्ति है, इस तरीके ऐसे ही बारी बारी मूर्तियाँ विसर्जन हो रही है। आप लोग बताना चाहूँगा आपसे बताया कि 48 घंटे से हो रहा है, ऐसे ही रात दिन ऐसे करके चल रहा है। तो चलिए आप सबको फिर आगे दिखाते हैं वीडियो में, आप सब लोग बने रहिएगा, वीडियो को आप सब लोग जरूर पूरा देखिए, वैसे वीडियो बहुत अच्छा अच्छा बनाते हैं लेकिन वीडियो कोई देखता नहीं, लेकिन पूरा जरूर देखिए, नहीं तो आप ऐसे ही मिस कर देंगे जरूर। चलते हैं सबको आगे दिखाते हैं, देखिएगा जरूर आप। We'll be right back.
जैसा कि देख सकते हैं यहाँ से पूरी वहाँ तक भीड़ है, जो कि बहुत ज़्यादा भीड़ है। माता जी के विसर्जन में लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, आप सब देख सकते हैं। और उधर भी आप सब लोग देख, कितनी भारी भीड़ है, और देखिए पुलिस वाले भी लगे तक इधर आने नहीं दे रहे। तो चलिए आप सबको। तो जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पर शाम हो गई है, आप सभी लोग देख सकते हैं भीड़ उतना ही है, भीड़ कम नहीं हो रही, भीड़ बढ़ती ही जा रही है। अभी रात में तो और भीड़ हो जाएगी, आप सब लोग देख सकते हैं। अभी दिखाया था, अब देख सकते हैं चारों तरफ भीड़। और आप सब लोग एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, देखिए रात हो गई है और ठंड का समय है, लेकिन कुछ बच्चे अंदर हल्के हो, और बाकी इधर आप सब लोग देख सकते हैं बाकायदे। देखिए पुलिस और ज़्यादा आ गई, क्योंकि लोग बल्ली के इधर आ जा रहे थे नदी के पास बार बार। देखिए आप सब लोग, पुलिस इस तरह और ज़्यादा लग चुकी है, और देख सकते हैं इसी तरीके से आप सब लोग सुबह 48 घंटा सबको बताया ही था, और देखिए शाम हो गए, इसी तरीके माता जी का विसर्जन चल रहा है। और देखिए पूरा नाव ही ना, जहाँ तक आप देख रहे हैं नाव ही ना आप सबको दिख रही है। और देखिए बहुत प्रयासों के बाद लोग बल्ली से उधर गए हैं, आप सब लोग जान सकते हैं। तो चलिए आगे दिखाते हैं फिर वैसे वीडियो, और इधर देखिए, सॉरी ये बोलना चाहेंगे, इधर इधर से आप सब लोग देखिए लाइट पूरी लग, और एक चीज़ और बताना चाहेंगे, यहाँ पे बकायदे लाइट भी लगी हुई है, प्रशासन ने लाइट भी लगाया ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए आप सबको आगे दिखाते हैं, और इसी तरीके से विसर्जन हो रहा है। तो एवरीवन, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है, और लोग आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं, इसी तरीके से भीड़ बढ़ती जा रही है। देख सकते हैं करीबन यहाँ पे 9 बज रहे हैं, लेकिन इसी देख रहे हैं भीड़ कम नहीं हो रही, भीड़ बढ़ती ही जा रही है। और आप सभी लोग देख सकते, अभी आपको दिखाया था मैंने सुबह कि प्रतिमाएं किस तरीके खड़ी हैं बहुत ज़्यादा, और इसी तरीके से लाइन से प्रतिमाएं लगी हुई हैं, विसर्जन चल रहा है, और जो कि बहुत ज़्यादा मूर्तियाँ हैं, बहुत ज़्यादा मूर्तियाँ एकत्रित हो गई हैं। इसी तरीके से भीड़ बका दे रही है, दमकल भी खड़ी हुई है ताकि कोई दिक्कत हो, कोई आग ना लगे, कोई किस प्रकार कोई प्रॉब्लम ना हो। और बका दे देखिए लोग ढोल लेके अब विदा करने हैं माता जी की मूर्ति को। तो चलिए आप, तो मैं तो अब इधर से जा रहा हूँ, आप सबको दिखाता हूँ अभी आगे। और इधर देखिए गोलगप्पे पानी पूरी हर दुकानें लगी हुई हैं, मुंह में देख के पानी आ रहा है, लेकिन क्या किया जाए। और चलिए आप सबको वैसे देख सकते हैं, ये नीचे से ढलान है, जो अब मैं इधर से जा रहा हूँ ऊपर। चलिए अभी आप सबको विसर्जन तो मैंने दिखाया ही था, और माता रानी इसी तरीके से डीजे और मूर्ति आती ही जा रही हैं, और विसर्जन होता जा रहा है, अभी आपको उसको भी दिखाएंगे। चलिए आप सबको आगे दिखा। तो एवरीवन, मैं वीडियो फाइनली यहीं पर एंड करता हूं। आप सबको वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपको सबको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब भी करिए। और वीडियो अगर नए आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलते हैं, एक नए वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। आप सब लोग खुश रहें और अपना ध्यान रखें, चलते हैं, बाय बाय।